सो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे तुम लोग यार, तुमको भी लग रहा है फ्री फायर के बाद अभी फ्री फायर मैक्स होने वाला है इंडिया में बैन। और ये लगने का रीजन इसलिए है क्योंकि तुम्हारा फ्री फायर मैक्स नहीं तो फ्री फायर ओपन नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है तो टॉप अप नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, इतने सारे चीजें हो रहा है, मतलब फ्री फायर हो चुका है बैन खत्म। अरे यार रुको जरा, इतना जल्दी क्या है, सुन लो पूरा पहले। बट यार का सच में ही बैन होने वाला है या ऐसे ही सब लोग बोल रहे हैं? तो यार मैं तुमको एकदम ही शॉर्टली एक्सप्लेन करके बता दूंगा, बट उससे पहले चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो अभी तक तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो यहाँ पर जो फ्री फायर मैक्स है ना, उसमें ये जो लोडिंग वाला प्रॉब्लम है, जो लोडिंग स्क्रीन में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? तो यार मे बी इट्स अ सर्वर प्रॉब्लम, नहीं तो यार हो सकता है हमारे कोई सिम ऑपरेटर में प्रॉब्लम हो। तो अभी तुम अगर जियो नहीं तो एयरटेल का जो कस्टमर केयर नंबर होता है वहाँ पर फोन करके पूछोगे ना, तो ये सारी चीजें हो चुका है या नहीं, तो वो लोग बोलेंगे हो चुका है। अभी यार ये मैं खुद नहीं बता रहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं यार 100% रियल होगा। बट वो चीज बाद में देखा जाएगा, यहाँ पर फ्री फायर मैक्स भी बैन होगा या नहीं, बट अभी तो कंफर्मेशन नहीं है। और यहाँ पर तुम खुद ही बोलो, यहाँ पर फ्री फायर मैक्स क्यों बैन होगा? क्योंकि यहाँ पर तो फ्री फायर का कोई शेयर्स बाय भी नहीं किया है, टेंशन फिर भी क्यों होगा? और यार ये चाइना है ना, इसके लिए यार जीना हराम हो चुका है। पहले तो यार कोरोना लेके आ गया, अभी तो यार फ्री फायर को ही बैन कर दिया। बट चाइना ने एक चीज बहुत ही बढ़िया किया, टिकटॉक बैन करवा के। तो देखो चाइना के लिए हमारा फ्री फायर बैन हो गया है, बट फ्री फायर मैक्स में अभी क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? देखो तुम अगर अभी देखोगे फ्री फायर मैक्स में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और एक दो दिन पहले जो लोडिंग वाला प्रॉब्लम हो रहा था ना वो अभी फिक्स हो चुका है। तो तुम अभी अगर गेम खेलोगे तो लोडिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, तुम इजिली लॉग इन कर सकते हो विदाउट DNS और VPN। तो यहाँ पर यही पता चल रहा है, फ्री फायर इंडिया में अभी भी काम हो रहा है, सर्वर अभी भी ठीक किया जा रहा है, बट काफी ज्यादा डिले हो रहा है। और देखो रियली में किसी को नहीं पता है फ्री फायर अनबैन होगा या नहीं। देखो हो भी सकता है बैन ना हो, क्योंकि यार यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस गेम को बैन कर दिया है ना, बैन कर दिया है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा कम चांसेस रहे हैं अनबैन हो जाए। बट यहाँ पर फ्री फायर इंडिया आ सकता है, क्योंकि अगर फ्री फायर इंडिया आता है ना तो काफी ज्यादा इजी होगा यहाँ पर फ्री फायर को रिटर्न आने, बट इसमें खर्चा बहुत होगा। अभी यार फ्री फायर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, फ्री फायर वाले करेंगे क्या यहाँ पर फ्री फायर इंडिया लेके आएंगे या फ्री फायर को अनबैन करवाने के ट्राई करेंगे। और अभी तुम चिंता मत करो, ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है, तुम खुद भी नोटिस कर सकते हो तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, तो तुमको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, अभी सॉल्व हो चुका है, मेरा जियो का सिम था। तो अभी लास्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है या नहीं होने वाला है? देखो फ्री फायर मैक्स बैन नहीं होने वाला है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को बाद में अगर पता चलता है फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स एक साथ कनेक्टेड है तो इसको भी बैन करना पड़ेगा, तब यार हो सकता है बैन हो जाइए, बट इसका चांस काफी ज्यादा कम है, तो टेंशन मत लो। तो अभी तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो सब आंसर दे दिया है मैंने, तो एक काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, वीडियो को कर देना लाइक अगर अच्छा लगे। और अगर तुमको मुझसे कांटेक्ट करना है, नहीं तो कोई हेल्प चाहिए, तो मुझको इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।